Assalamualaikum everyone, welcome back to my new vlog video। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारी थी ऑफिस की छुट्टी और मैं हूँ बिल्कुल फ्रेश। आंखें भी मेरी खुली खुली आपको नजर आ रही होंगी, अब तो खैर ज़्यादा खुल गई है। जब मैं फ्रेश होता हूँ तो मेरी आंखें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब बिजी होता हूँ या वो मेरा स्केड्यूल बहुत रूटीन बहुत आउट होती है तो मेरी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज जो है वो है वलीमा, तो उसके लिए हमने डिसाइड किए हुए हैं कोट पैंट। अब ये है मेरे दो नए कोट पैंट जिसमें से मम्मा ने वोट किया है कि मैं ये वाला पहनूं और मेरा दिल चाह रहा है ये वाला पहनने का, बट ऑब्वियसली अम्मी ने कहा है तो ये वाला पहनेंगे क्योंकि ये मैंने ट्राई किया था तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं मुझ पर, बट दिस वन लुक्स मच बेटर। तो भाई अब ऐसा सीन है कि आज जो है वो हमारा एक स्पेशल इवेंट है जो कि लास्ट इवेंट है और वो है वलीमा, लारिफ भाई और जरनाब भाभी का वलीमा। तो आज भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम गेस्ट होंगे। काम तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, जिम्मेदारी काम की हमारे ऊपर वैसी है, बट फिर भी आज मज़ा आएगा क्योंकि ऑफिशियली ये एक लड़के वालों का इवेंट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर बाकी रही बात काम की तो वो तो हमें करना ही है और वो एक अच्छी चीज़ है, काम करने से ज़्यादा अच्छी बात होती है। स्पेशल इवेंट में क्या क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे कि इतना मज़ा आने वाला है, किस तरह चीज़ें होंगी, क्या होगा खाने में, क्या होगा बहुत सारी इंटरटेनमेंट, क्या होगी किस तरह की एंट्री होगी, तो इस सबसे आपको अपडेट रखेंगे। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ घर का काम करना है, अपना कोट पैंट प्रेस के लिए देना है और साथ साथ जो है वो क्या नाम है मम्मा का कुछ काम सामान लेके आना है। तो इन सामान वगैरह लेने के आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं तैयार होके और फिर हम आपसे मिलेंगे वेन्यू पे। तो जब तक के लिए हम वापस हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हैं तैयार वलीमे में जाने के लिए क्योंकि आज हमारा जो है वो आखिरी इवेंट है, एक स्पेशल आखिरी इवेंट जो लड़के वालों का सबसे स्पेशल इवेंट होता है वो है वलीमा, लारिफ भाई और जरनाब भाभी का वलीमा। तो वलीमे में जाने के लिए हम हो गए हैं रेडी, नीचे हो रहा है हमारा गाड़ी में इंतजार, आपको अपडेट रखेंगे कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमेशा मैंने बाल अपने राइट साइड पर बनाए, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया कि भाई हम लेफ्ट साइड पर बाल रखते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छे लग रहे होंगे। ऑब्वियसली मुझे तो बस एवरेज लग रहे हैं लेकिन क्या पता ये अच्छे लग रहे हो। बहरहाल मिलते हैं आपसे वहां पे, देखते हैं वहां क्या हो रहा है और आपको अपडेट रखते हैं कि क्या चीज चल रही है वहां पे, कितना मजा आने वाला है, किस किस से हम मिलने वाले हैं और खैर ऑब्वियसली काम तो हमने करना ही है तो क्या क्या काम हम करने वाले हैं। ओके तो भाई गाड़ी में हम बैठ गए और हम जा रहे हैं वेन्यू की तरफ, आइए देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो गाइस सीन ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं लारिफ भाई और जरनाब भाभी के वलीमे में, एंट्रेंस हमारी वही है, ये हमारी मम्मा हैं तैयार हुए हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। दिस इज़ दी वलीमा रिसेप्शन, वेलकम टू द वलीमा रिसेप्शन ऑफ जरनाब एंड लारिफ ज़ारेब #। और हम जाते हुए अंदर बहुत ही डिलाइटफुल आजकल इवेंट है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये है हमारी वॉल फॉर पिक्चर्स और आज का वेन्यू मुझे लग रहा है कि धमाकेदार हो, आज जो है वो मुझे लग रहा है धमाका हो जाएगा कि आज का जो सेटअप हुआ हुआ है वो बहुत ही आउट क्लास हुआ हुआ है। और ये हमारा आज का सेटअप हुआ हुआ है बहुत ही आउट क्लास, आप देख सकते हैं आज तो भाई बात ही अलग है क्योंकि आज है वलीमा, वो वलीमे में जो है वो बहुत चिल अच्छे सीन्स चल रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं दुल्हे मियाँ तो बिल्कुल छा गए हैं और दुल्हन जी भी बिल्कुल छा गई हैं, अस्सलामुअलैकुम, और बहुत ही आउट क्लास जो है वो क्या बात है, मतलब बहुत ही आउट क्लास कर दिया कंट्री इन वालों ने। आज का जो वेन्यू, आज का जो थीम इन्होंने रखा है बेस्ट, मतलब बिल्कुल आप चेक करें कि भाई और भाभी की ड्रेसिंग से बिल्कुल मैच करता हुआ, तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ऑन सीन है आज का। अस्सलामुअलैकुम, इनका नाम भी हसीब है और इत्तेफाक से मेरा नाम भी हसीब है। ये भाई हमारे फायरवर्क्स का जो है सारा तमाम देख रहे हैं, आज कुछ धमाकेदार होने वाला है वो हम आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा, कभी नहीं हुआ जो चीज़ वो आज होने वाली है, बस आप देख लें बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है और इस स्टेज पर होने वाला है। तो भाई ये दूल्हा दुल्हन हमारे हैं तैयार माशाल्लाह बहुत, तो भाई ये ड्रेस उठाने का जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में है, अच्छी लग रही है। तो भाई सीन ऐसा है कि बहुत सारी आवाम एक्स्ट्रा भी आ गई है जिसको हमने अभी बाहर निकाला है और ये है कि बाकी सब अपने अपने इंजॉयमेंट के साथ लगे हुए हैं। जुमेर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से, यहाँ
हमारी अम्माएं और खालाएं शूट कराते हुए। हमारी हमारा काम तो सिर्फ ड्यूटी निभाना है और हम ड्यूटी ही निभा रहे हैं, यही हमारा काम है। जिसका था आपको इंतजार आ गए हैं वो यहाँ पे मिस्टर शरबीर भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। फाइनली सब कुछ हो गया। हमारी बारी का भाई, जब आप बोले तब भाई, लड़कियाँ यहाँ पे बहुत हैं, आप बताएं कौन सी आपको सोच रहा है, किस पे हाथ रखेंगे, जिस पे हाथ रखेंगे हम करवा देंगे आप। लेकिन इज्जत से कौन है बताओ, कोई मैच करती भी हो मेरे से, कंट्रास्ट बनाओ कोई मेरा। आपका कंट्रास्ट बनाए, क्या हाल है भाई, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ भाई, कंट्रास्ट भाई आपका ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, कोई कंट्रास्ट बनाओ लड़की के साथ। बस सही है, मैं लड़की ढूंढ के आपको आपका कंट्रास्ट फटाफट आओ लेके फटाफट, अम्मा पापा को बुला रहा हूँ। डन, चलो भाई, शरबीर भाई के लिए लड़की ढूंढनी है, पहला कंट्रास्ट। तो भाई धमाकेदार एंट्री होने वाली है और सब बैठे हुए हैं और ये एंट्री चलने वाली है, यू बना हुआ है बिल्कुल जी। तो भाई ये है लारे भाई और जरनाम भाभी की एंट्री का सीन। फिलहाल एक प्रॉपर सीन भी था बट उसको अभी हमने छुपा के रखा हुआ है क्योंकि वो एक सरप्राइज एंट्री है, तो वो आप लोग उनके व्लॉग में देखेंगे या उनकी वीडियो में देखेंगे। हमें अभी यही एंट्री दिखाने का कहा गया तो हम आपको यही एंट्री दिखाएंगे। सब अपना अपना व्लॉग बनाते हुए। अस्सलाम वालेकुम, तो हमने सोचा हम भी अपना व्लॉग बना लें। क्यों भाई डेडी भाई, आपने स्टार्ट नहीं किया, आप भी स्टार्ट कर दें। डेडी भाई माफ़ी मांगते हुए, हमने तो कर दिया भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरों को सपोर्ट करें, हमें नहीं कर रहे, हमें भी करें प्लीज। हरीश रोते हुए कि मेरी कोई पिक्चर ले लो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आज आप लिफ्ट नहीं करा रहे मुझे, मैं इधर उधर हुआ। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका सर। भाई आज तो सैन भाई ने बोला कि हम लिफ्ट कराएंगे ही नहीं, असीफ भाई कौन है हम जानते ही नहीं है, हमने आवाज़ें दी हैं लेकिन हुसैन भाई ने बोला नहीं, मैंने सुनी नहीं है। तो भाई अच्छी पर्सनैलिटी है, खाने कभी मना नहीं करते पिक्चर वीडियो से, और ये कि हमेशा स्माइल इनके फेस पे ब्राइट रहता है, जैसे हमारे फेस पे भी रहता है, इनका वाला ज़्यादा अच्छा है। चलो भाई मिलते हैं, सही है, ओके। बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, थैंक यू आपका लोक ही मतलब अलग फुल हीरो वाला चल रहा है, माशाल्लाह सही है। बाकी शहीर भाई जो है वो आज बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, हमेशा हमेशा ही लगते हैं वैसे तो, आज भी ज्यादा लग रहे हैं, अंकल भी तारीफ करके गए, बहुत शुक्रिया शहीर भाई आपका। ब्लैक फूल क्यों अटक गया आपके कपड़े यार, ये हमने ब्लैक फूल शहीर भाई लगाया, ये लगाया है, निकलता है ये, क्या बात है भाई, क्रिएटिविटी की हद पार कर दिया आज बंदे ने, हमने फूल लगाया है। बाकी शहीर भाई आपने खाना वाना हमारे साथ बैठ के खाना है, बाद में खाएंगे बस इंशाल्लाह, हम बाद में खाते हैं। शरबीर भाई और आपने लास्ट टाइम पहले खा लिया था, ठीक है, और मैं नाम बता रहा हूँ, बताता रहा और वो अपना इमरान भाई दोस्त को भगा, ओके, और ये वायरल लोग पकड़ अब्दुल्ला, अब पीछे ये जो भी लोग बना रहे हैं ना, जो वायरल लोग पकड़ रहे हैं उनको भगा दूं, बस डन डन डन। अहमद भाई ने नहीं बनाया, अहमद भाई कौन है, अब्दुल्ला भाई, सॉरी जो है नाम भूल गया, बोलता पिक्चर चाहिए, पिक्चर लेके बोलता आपका नाम भाई, ऐसा हो रहा है की अब्दुल्ला भाई का सब नाम भूल गया, मैं भी भूल गया था, मैंने अहमद भाई बोल दिया, अब्दुल्ला भाई है, अहमद अब्दुल्ला सिमिलर, दोनों ऐसे आते हैं सही है भाई, डन हो गया। और आप क्यों खड़े हैं भाई, मैं आपके लिए खड़ा हूं, मेरे लिए खड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आप मिलने आजा फिर अपना। तो भाई कैसा रहा आपका सफर, क्यों उदास बैठे हैं आप? अरे नहीं भाई, आसिफ भाई सबको लिफ्ट कराते हैं भाई, आप गलत बात कर रहे हैं भाई, आसिफ भाई खाना खाया आपने, सही है भाई, आप क्यों उदास बैठे हैं भाई,
ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये अलग उदासी है, बेगम के आने की उदासी है, बेगम के जाने की उदासी है। ओहो, पर्स की उदासी है। तो ये उदासी भाई आपकी जिंदगी में आ जाएगी जब आप शादी कर लेंगे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने आपकी बारात वाली वीडियो भी देखी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। इकरा बाजी को और सबको इन लोगों ने किया हुआ है बहुत परेशान। वकार भाई ने तो इनका जीना आराम कर दिया है। वकार भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इनके साथ पिक्चर व्लॉग सब बना लिया है। हमने इनको तंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है वकार भाई, इन्होंने ऑलरेडी बहुत तंग कर दिया, तो हम मज़ीद तंग करेंगे तो वो चिड़चिड़ हो जाएंगे। तो भाई खाना हो गया शुरू और बहुत मज़े का खाना है। ये दानिश भाई ने कहा बंद कर दे, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है। खाना बहुत मज़े का है भाई, और अभी हम शुरू करें खाना खाना। केक कटिंग घर में नहीं हो रही है और बिल्कुल देख रहे हैं आपके टावर पे चढ़े हुए हमारे भाई और भाभी जी। हम बिल्कुल पीछे हैं क्योंकि हम अभी खाना खा रहे थे और अब हम खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे शराबीर भाई फोटोग्राफर का काम करते हुए स्माइल करो भाई। नानी अम्मी हमारी प्यारी, ये हमारे खानदान का एक सबसे प्यारा और इम्पोर्टेंट सबूत है। तो भाई नानी ने जो ब्रेसलेट बनाया था वो लूज था, तो अब वो उतार काला आप पे ऊपर है सारा दारोमदार, ये खोल लेना बस, अब बेइज्जती ही नहीं करवाना हमारी। खाला जो है वो ब्रेसलेट खोलते हैं और फाइनली खाला जीत गई। खाला मुबारक हो, बहुत बहुत आपने जीत लिया अवार्ड। चलो भाई अम्मी को उठाओ। भाई अब हमारी बारी भी आने वाली है रस्म की, हम रस्म पे जाने वाले। दिल विच सांस है तेरी, रूठे नु मनाना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। ये लारेब की तरफ से जनाब को बहुत लंबा सॉन्ग। जब से जुड़ी है जान तुझसे मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी बसे यारा, मेरा मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी बसे यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त गाया भाई अली भाई ने। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये रो रही थी क्योंकि इसकी तस्वीर नहीं ली जा रही थी, इसकी ऊपर से रो रही है। भाई हमारी बारी आ गई है, चलो भाई ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस, अब ये आपको जो है ना वो डांस पे करेंगे। आ जाओ प्रिंसेस, लेट्स मूव। ये देख रहे हैं अभी आप, बहुत ज़बरदस्त शूट होने वाला है एक क्लास का और हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब एंडिंग पे ही है हमेशा की तरह। तो भाई ये भाई और भाभी बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेशल करते हुए अपने शूट के लिए।
भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी भी जाने का दिल नहीं कर रहा किसी का भी। भाई आपको घर नहीं जाना, चाय पियेंगे मगज चलेंगे फिर जाएंगे। भाई आपने भी नहीं जाना, बस हम तो सुबह तक बैठे हैं। सुबह तक बैठे भाई आप भाई, वो तो बोले बस मुझे घर जाने दो। चाय 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 आने वाली हो गई यार, हमारे दूल्हे मियां तो थके ही नहीं है भाई। डेडी भाई ड्यूटी करते हुए लारे भाई की भाई ये एंडिंग के सीन है। शाहरुख खान वाला पोस्ट बिल्कुल खतरनाक। दूल्हे मियां अभी भी थके नहीं है और ये हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल है, तो ये कोई और ही देखे तो सही है। ये हम दिखाएंगे तो मसला हो जाएगा। दुल्हन हमारी वहाँ बैठी हुई है भाई, ये व्लॉग बहुत लंबे लंबे जाने वाले हैं। हो चुके हैं बहुत सारे हो चुके हैं। देखा हसीब भाई का भी मुझे लग रहा आधा एडिट हो गया है। मैं अब मेरा एडिटर वहाँ बैठा हुआ है अभी, उसको तैयार कर दिया मैंने। मैंने कहा घर जाते हैं एडिट करने। चलो जी फाइनली घर जाने का टाइम आ गया है। तो भाई सीन ऐसा है कि बस अब एंडिंग हो गया है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं और हम भी अपने घर जा रहे हैं। एवरीवन आउट, अब बस एंडिंग चल रही है, सब जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह, हम कल मुलाकात होगी आपसे, कल नहीं बल्कि परसों। कल हम व्लॉग अपलोड करेंगे, परसों आपसे मिलेंगे। तो ओके जी, हसीब इज़ आउट नाउ। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाय।